सियालकोट के बजट बाजार में फिरदौस आशिकवान और असिस्टेंट कमिश्नर के दरमियान नोक झोंक। मामले खसूसी पंजाब फिरदौस आशिकवान ने अपने रवैये पर मुआसरत कर ली है। समा के प्रोग्राम नयादन में गुफ्तगू करते हुए बोली, असिस्टेंट कमिश्नर को झाड़ पिलाने के दौरान गैर मुनासिब जुमला बोल दिया जो कि इंसानी गलती है, गुस्सा आ गया था। देखिए बात यह है कि जो मेरा इंटेंशन थी और जो मेरी वहाँ पे अवाम दोस्त सोच थी और जो मेरा कंडक्ट था वो लोगों को रिलीफ देना, उनके मसाइल का तदारक का था और उनके लिए आसानियाँ पैदा करना था। सही। उस मिशन विजन या कंडक्ट पे तो मुझे कोई किसी तरह से ठीक है, लेकिन उस लफ्ज़ पे अफसोस है तो आप वापस लेती हैं? आप जो उसके साथ जुड़ा कोई नामनासिब लफ्ज़ जिसका आप निशानदेही कर रहे हैं जी जी। तो वो यकीनन रूटीन में भी हम इस्तेमाल नहीं करते और वो पता नहीं उस वक्त गुस्से की हालत में मेरे मुंह से वो नाजेबा लफ्ज जो निकला तो वो नामनासिब था, वो नहीं निकलना चाहिए था। सियालकोट वाकये पर ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान आमने सामने आ गए। चीफ सेक्रेटरी ने फिरदौस आवान के गैर मुहज्जब बर्ताव की मजम्मत तो की। पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात नदीम कुरैशी ने चीफ सेक्रेटरी पर सियासत का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर से मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने सियालकोट वाकया पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ और दीगर इंतजामी अफसरान सख्त गर्मी और कोरोना वबा के बावजूद फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। किसी भी सरकारी अफसर या अमले के साथ गैर इखलाकी जुबान इस्तेमाल करना काबिले मज़म्मत है। दूसरी जानिब पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात नदीम कुरैशी भी मैदान में आ गए, जिन्होंने अपने तहरीरी बयान में चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी सियासत करना चाहते हैं तो इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ लें। मुस्लिम लीग नून भी पीछे नहीं रही, जिसने एसी सियालकोट के हक में करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी है, जिसके बाद सियालकोट के रमजान बाजार से शुरू होने वाली बात पंजाब के आला ऐवान तक पहुंच चुकी है। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। मैडम, उसको आराम से बात की जा सकती है।